समस्या सिर्फ रोड की है जी, जाम हमने कोई समझ नहीं, सारी गाड़ी जा रही है, लेकिन जो ये गाड़ियां हैं जो आने की स्थिति में नहीं इस रोड पे, ये लगातार आ रही हैं, रास्ते ही चलती 4 बजे से, गांव वालों को बहुत आपत्ति होती है इससे ना, कोई अपने भैंसन का न्याय लेने भी जाता है ना, उसके लिए भी बहुत समस्या है इस पे। ये आने वाले लास्ट 3 महीने में ना ये रोड ऐसा ही हो जाएगा जैसे प्याला सीख रही है, आने वाले समय में हो जाएगा ऐसा, और प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है इसके बारे में। 2 बार जाम पहले लग चुका है, आश्वासन दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं है। और विधायक साहब भी ध्यान इस रोड पर दे। क्या नाम आपका? शिव कुमार भाई, क्या समस्या है जो आप लोग इकट्ठे होकर बता रहे हैं? रोड की समस्या हो। अच्छा, कितने टाइम से ये कम से कम 10-12 साल से है। 10-12 साल से? हाँ जी। तो विधायक से मिले हो आप इसको? विधायक से मिले थे, विधायक ने 36 बरादरी में बोला था कि करा देंगे, विधायक झूठ आश्वासन देते हैं, कराते हैं नहीं। अच्छा, इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं विधायक साहब। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम भाई आपका? मुकेश भाई, कौन सा गांव आपका? गांव प्याला ही है। प्याला है, क्या समस्या आ रही है भाई? समस्या यही है जी, ये सारा प्याले से जो सीकरी से प्याले वाला रोड है ये सीधा निकलता है छाए से तक, ये छोटा रोड नहीं है, बहुत बड़ा रोड है, ये एक गांव से नहीं कई गांवों के लिए निकलता है, सारा रोड टूटा पड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कंटेनर हैं 32-32 फुटे, गैस की गाड़ी हैं, 12-12, 13-13 टन वजन होता है इनमें, इस छोटे रोड पे चलने लायक तो है नहीं, ये बड़ा रोड है, इस पे बड़ी समस्या आ रही है, इसको नहीं बनवा पा रहे, इसको रिपेयर करवा के सीधा तो करा दे, थोड़ा चलने लायक तो बन जाए, यही समस्या है बस, इसको लेके हमने जाम लगा रखा है। गुड्डी है मेरो, समस्या यू है, हमारे तो रोड बन जा बढ़िया तर, कहाँ कर जाम गामन में कर डोले, वोटन को और उनको तो सवाम है, पावन ने जोर है, हाथन ने जोर है, जो विधायक बन गयो है तो इन रोड ने क्यों ना बनवा। ये भी रावत है, ये भी उनके बिरादरी भाई गए हो उनके पास कई बार जाते हम तो जाते जाते है के परेशान, जब तक पावन को वोटन को नवाम है, अब ना अब तो यहां में बात ना करके बैठ तो जा तू, यही समस्या हमारा, तो रोड बन जाए, कितने बुरे रोड है। क्या नाम आपका? नीरज। नीरज भाई, क्या समस्या है जो आप? समस्या सिर्फ रोड की है जी, जाम हमने कोई समझ नहीं, सारी गाड़ी जा रही है, लेकिन जो ये गाड़ियां हैं जो आने की स्थिति में नहीं इस रोड पे, ये लगातार आ रही हैं, रास्ते ही चलती 4 बजे से, गांव वालों को बहुत आपत्ति होती है इससे ना, कोई अपने भैंसन का न्याय लेने भी जाता है ना, उसके लिए भी बहुत समस्या है इस पे। ये आने वाले लास्ट 3 महीने में ना ये रोड ऐसा ही हो जाएगा जैसे प्याला सीख रही है, आने वाले समय में हो जाएगा ऐसा, और प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है इसके बारे में। 2 बार जाम पहले लग चुका है, आश्वासन दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं है। और विधायक साहब भी ध्यान इस रोड पर दे। क्या नाम आपका? शिव कुमार भाई, क्या समस्या है जो आप लोग इकट्ठे होकर बता रहे हैं? रोड की समस्या हो। अच्छा, कितने टाइम से ये कम से कम 10-12 साल से है। 10-12 साल से? हाँ जी। तो विधायक से मिले हो आप इसको? विधायक से मिले थे, विधायक ने 36 बरादरी में बोला था कि करा देंगे, विधायक झूठ आश्वासन देते हैं, कराते हैं नहीं। अच्छा, इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं विधायक साहब। अच्छा, हाँ जी, काफी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।